हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ओरियो कुकी चॉकलेट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो सेम ओरियो सिल्क चॉकलेट जैसी है। आप बाहर से खरीद कर लाते हैं, इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। सेम ओरियो सिल्क चॉकलेट जैसी ही बनेगी, ये बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। ये देखिए, सेम ओरियो चॉकलेट जैसी ही है जैसे आप बाज़ार से लाते हैं। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्रिसमस आ रहा है इसलिए मैं ये बना रही हूँ। ओरियो कुकी चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। ये इस तरह से डार्क कंपाउंड चॉकलेट आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये मैंने 3 ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं, 10 रुपये में आ जाते हैं। ये मैंने 15 बिस्किट लिए हैं, इसकी मैंने क्रीम अलग निकाल ली है। इस तरह से आप क्रीम निकाल लीजिए, क्रीम और बिस्किट अलग कर दीजिए। ये मैंने 15 बिस्किट की क्रीम निकाली है और ये मैंने 4 बिस्किट के छोटे टुकड़े करके रखे हैं। सबसे पहले हम क्रीम में आधा छोटा चम्मच दूध डालेंगे, इसे हमें क्रीमी करना है। इसे आप अच्छे से चम्मच से मिक्स कीजिए और एक साथ दूध ना डालें, इसमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है, हमें इसे पतला नहीं करना है। आधा चम्मच और थोड़ा दूध डालेंगे ताकि अच्छे से ये क्रीमी हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, एकदम क्रीमी बनाना है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, ये अच्छे से क्रीमी हो चुका है। अब इसमें हम ओरियो के छोटे छोटे टुकड़े जो किए हैं वो डालेंगे। ये 2 या 3 चम्मच ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इतने ठीक हैं क्योंकि जब आप एक चॉकलेट की बाइट मारेंगे तो आपको क्रंची लगना चाहिए। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में। इसे मैं पहले 30 सेकंड्स के लिए रखूँगी, फिर इसे हिलाकर चम्मच से अच्छे से, फिर 30 सेकंड के लिए रखूँगी। इसे 1 मिनट के लिए ना रखें, नहीं तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसे 2 बार 30 सेकंड के लिए रखा है और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ चम्मच से। आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस तरह से हमें चाहिए। आपके पास इस तरह की चॉकलेट मोल्ड होगी वो ले लीजिए, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है 15 रुपये में। अब इसमें हम चॉकलेट डालेंगे और इसे हमें पूरा फैलाना है और ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इसे एक लेयर बनाना है इसका चॉकलेट का चारों तरफ। मैं चम्मच से कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। इसे इस तरह अच्छे से फैला दीजिए। इसका टेस्ट सेम ओरियो सिल्क चॉकलेट जैसा ही लगेगा, कोई बता नहीं सकेगा ये आप बाज़ार से लाए हैं कि आपने खुद बनाया है। ये देखिए, मैंने सबको अच्छे से भर दिया है और साइड में आप कॉटन से साफ़ कर लीजिए, साइड में लग जाता है, कोई बात नहीं, इसे साफ़ कर लीजिए। और इसे अब मैं फ्रीज़र में 1 मिनट के लिए रखूँगी सेट होने के लिए। इसे मैंने 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था। ये देखिए, हो चुका है। अब इसमें हम ओरियो क्रीम की फिलिंग भर देंगे, ज़्यादा नहीं भरनी है क्योंकि ऊपर हमें इसके चॉकलेट भी भरना है, इसलिए चारों तरफ इसे अच्छे से फैला दीजिए चम्मच से। ये देखिए, मैंने तीनों को अच्छे से भर दिया है। अब इसके ऊपर हमें चॉकलेट डालना है, चॉकलेट से हमें इसे पूरा कवर करना है अच्छे से। इस तरह से आप इसे अच्छे से फैला दीजिए, चॉकलेट को पूरा कवर करना है। इस तरह हमको सबको भरना है और इसे अच्छे से टैप कर लीजिएगा ताकि अच्छे से फैल जाए। ये लीजिए, मैंने सबको भर दिया है। अब इसे मैं फ्रीज़र में 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। इसे 2 मिनट हो चुके हैं, सेट हो चुका है। ये देखिए, कितनी आसानी से निकल जाता है। वाह, देखिए कितना अच्छा चॉकलेट बना है। ये दिखने में जितना अच्छा है उतना ही खाने में सेम आपको ओरियो सिल्क चॉकलेट का ही टेस्ट लगेगा। ये बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसका साइड का काट देंगे ताकि ये अच्छा इसका शेप दिखे। ये देखिए, इस तरह से काट लीजिए। ये देखिए, कितना अच्छा दिख रहा है। अब ये लीजिए, आपके ओरियो कुकी चॉकलेट बन चुके हैं। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, सेम ओरियो सिल्क चॉकलेट जैसा ही है, अंदर से भी बाहर से भी, और खाने में भी सेम टेस्ट है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए ओरियो कुकी चॉकलेट बन चुके हैं। क्रिसमस आ रहा है इसलिए मैंने ये रेसिपी शेयर की है, उस दिन आप ज़रूर बनाइए। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे और भी वीडियोज़ आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।